ग्रेड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं संदीप कुमार सब्जेक्ट टीचर संस्कृत सब्जेक्ट टीचर तो आज चर्चा करेंगे रुचिरा भाग एक के चैप्टर नंबर फिफ्टीन पर जिसका नाम क्या है बच्चों मातुल चंद्रय हम मातुल चंद्र पर क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं छुट्टियों से पहले लेकिन दोबारा एक फास्ट डिविजन कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं इसको पाठ संख्या क्या है पंचदश पाठ संख्या क्या है बच्चों पंचदश ये पाठ संख्या है आपकी पाठ संख्या क्या है पंचदश मातुल है <coughs> मातुल चंद्रय मीन्स पाठ परिचय में हम मैंने बताया था जैसे प्रस्तुत पाठ क्या है एक बाल गीत है बाल गीत है एक बालक विस्तृत नील गगन में फैले हुए विस्तृत नील गगन में चंदा मामा को आकर्षित चंदा मामा की ओर आकर्षित होकर अनुरोध करता है कि चंदा मामा आए उन पर स्नेह प्यार बरसाएं गीत सुनाएं चंदा मामा कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं यह बात भी उसे अचंभे में डाल देती है यानी कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है तो सबसे पहले क्या है कुतह है? कुतह है? क्या है कहाँ से आग सी आते हो मातुल चंद्र चंदा मामा कुत्र गमी सियसी कहाँ गमी सियसी गमी गम दातु है जाने अर्थ में और गमी सियसी मध्यम पुरुष लट लकार एक वचन है चले जाते हो मातुल चंद्र चंदा मामा कहाँ से आते हो कहाँ चले जाते हो चंदा मामा नेक्स्ट क्या है अतिश्य विस्तृत अति अतिश्य विस्तृत नीला आकाश विस्तृत अत्यधिक फैला हुआ अतिश्य विस्तृत क्या होता है अत्यधिक फैला हुआ और नीला आकाश मीन्स नीलाकाश मीन्स नीले रंग का आकाश जो यह हम नीले रंग का आकाश इस चित्र के माध्यम से देख भी रहे हैं ये यह बहुत अधिक फैला हुआ है बहुत अधिक फैला हुआ नीला आकाश नई दृश्यते कवचित अवकाश नई दृश्यते मीन्स देखा जा सकता है कवचित कहीं भी अवकाश मीन्स छेद इस पूरे नीले गगन में क्या हमें कहीं कोई छुपने की जगह दिखाई देती है तो वो छोटा बच्चा जैसे चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है वह चंदा मामा को कहता है कि हे चंदा मामा मुझे इस पूरे फैले हुए नीले आकाश में कहीं कोई छिपने की जगह दिखाई नहीं देती कथम प्रयास्यसी मातुल चंद्र कैसे जाओगे चंदा मामा अगर इसमें कोई छिपने की जगह ही नहीं है तो आप कैसे चले जाओगे कहाँ छिपोगे कहने का अभिप्राय उस बच्चे का यही था कि हे चंदा मामा यह जो आपका विस्तृत नीला आकाश फैला हुआ नीला आकाश है इसमें मुझे कहीं कोई छेद कोई अवकाश मीन्स छेद दिखाई नहीं देता लेकिन आप कैसे चले जाओगे यह जानकर वह है, अचंभित है पुतः आग मातुल चंद्र है हे चंदा मामा आप कहाँ से आते हो तो एक्टिविटी है एक्टिविटी में अब की बार आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे ऑनलाइन क्लास में तो ये आपने ध्यान रखना है कथम आयासी न भो मम गेहम कथम आयासी न भो मम गेहम कथम कथम क्यों होता है क्यों नहीं आयासी आते हो भो भो अरे किसको संबोधन किया हुआ है यहाँ पर चंदा मामा को चंदा मामा को संबोधन किया हुआ है कि हे चंदा मामा आप मेरी मम मम मीन्स मेरे ष्टी विभक्ति ष्ठी विभक्ति वचन षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा स, मम ष्टी विभक्ति वचन हो जाएगा मम गेहम हम मेरे घर मातुले हे चंदा मामा कीर्सी कथम न स्नेहम कीर्सी बुक में ध्यान रखेंगे बच्चों बुक में आप साथ के साथ देखते चलेंगे कीर्सी कीर्सी मीन्स करते हो कथम ने क्यों नहीं स्नेहम स्नेह प्यार कदा आगमी सिसी मातुल चंद्र कदा कब आगमीश्यसी आओगे मातुल चंद्र चंदा मामा हे चंदा मामा कब आओगे कुतः आगज मातुल चंद्र है और हे चंदा मामा आप कहाँ से आते हो चंदा मामा कैसे नहीं आओगे मेरे घर की कथम न आयासी मो भो ममगे मेरे घर कैसे नहीं आओगे या क्यों नहीं आओगे स्नेही को कैसे दिखा नहीं बिखेरते हो यानी कि मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो कदा आगमी में शीसी मातुल चंद्रा हे चंदा मामा कब आओगे कहाँ से आते हो ये क्वेश्चन उस बच्चे का चंदा मामा से रहता है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आगे बाकी शेष लेसन का हिंदी अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद सभी को नमस्कार